भिवंडी के बाला कंपाउंड के रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि 5 लाख रुपए की निधि से पेवर ब्लॉक के कार्य की शुरुआत की गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कॉप्सन के नगर सेवक साजिद खान की इस निधि से पूर्व नगर सेवक हसनैन फारूकी की उपस्थिति में बाला कंपाउंड के गली में विशेष तौर पर 5 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक के कार्य की शुरुआत हुई, जिसको लेकर वार्ड की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली। विशेष तौर पर आपको बता दें कि सबसे पहले तो वहां पर आप देख सकते हैं कि दुआएं मांगी गई, उसके बाद एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस कार्य की शुरुआत की गई। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान विशेष तौर पर बाला कंपाउंड के रहवासियों ने आभार प्रकट किया, खासकर पूर्व नगर सेवक हसनैन फारूकी की, क्या कहा ये सुनते हैं। जो आज प्योर ब्लॉक लगाया जा रहा है, कितने साल के बाद यहाँ पर प्योर ब्लॉक लगाया जा रहा है? ये प्योर ब्लॉक तो अभी तक पहली मर्तबा लगाया जा रहा है, लेकिन जो गली का काम है वो तकरीबन 10 साल से हुआ नहीं है। आप जरा यहाँ पे फोटो दिखाइए, गली की हालत देखिए, ये चलने जैसा आपको लग रहा है? अगर यहाँ से कोई प्रेग्नेंट औरत चले और उसका पैर फिसल जाए तो क्या होएगा, आप बताइए। और कोई अगर बुढ़ी औरत गिर जाए तो फिर बचने की भी कम उम्मीद रहेगी, बहुत ज़्यादा खड्डा हो गया। अभी तो गली वाले थोड़ा पत्थर उत्थर भर दिए तो उसके बाद थोड़ा देखने जैसा हो रहा है। तो हम लोग ने चाली वाले ने मिल के हसनैन भाई के पास गए, फिर हसनैन भाई ने साजिद भाई से मिलाया, तो साजिद भाई के फंड से फिर ये प्योर ब्लॉक का काम हो रहा है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो प्योर ब्लॉक का कार्य किया जा रहा है, किसकी निधि से किया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे, कितने लाख की निधि है? साहब, ये नगर सेवक निधि साजिद खान साहब की है, और जैसे कि कार्यकाल पूरा हो ही गया गुप्ता जी, आपको पता ही है, तो ये पहले के कुछ फंड थे, ये 5 बरस यहाँ पे ब्लॉक का काम बिस्मिल्लाह करके चालू किया जा रहा है। नूर शाह जामा मस्जिद की ये चाली है, और आपको बताता चलूँ कि आज से 10-12 साल पहले कमोबेश ये चाली की गटर, पानी, लाइट, यहाँ से लोग टॉयलेट करने के लिए एक आधा किलोमीटर दूर जाया करते थे। यही पीछे असगर सैयद साहब की बिल्डिंग है, जो कि वो बिल्डिंग में इतना कचरा रहता था कि यही मस्जिद की चाली, जैसे कि हमारे दोस्त हैं अख्तर टेलर साहब, कई साल तक उनका दरवाज़ा ही नहीं खुला था कचरे से, तो उसी कचरे को साफ करा के उसी जगह पे 3 से 4 संडास आज से 10-12 साल पहले बना के दी गई थी। और ये मस्जिद की चाली का कुछ काम है, जो भी काम वार्ड में मैंने किया है, इंशाल्लाह आने वाले कल में 3 का फाइनल है, अल्लाह ताला फाइनल बेहतर बनाएगा, चुन के आने के बाद में जो भी काम है इंशाल्लाह इससे बेहतर से बेहतर करना है। वार्ड देखा जाए, नगर सेवक के सभी की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है जी, ऐसे में चुनाव नजदीक आने के बाद ही ये फंड को क्यों यूज किया जा रहा है, चुनाव के पहले क्यों नहीं यूज किया? गुप्ता जी, ऐसा है कि 1.5-2 साल कोरोना काल गया, कोरोना काल में कोई फंडिंग या कोई काम 1 साल के ऊपर हो गया, उसके बाद में जब फंड वहाँ से रिलीज होंगे मंत्रालय से या स्टेट गवर्नमेंट से, जब भी कॉरपोरेशन में आएंगे, कॉरपोरेशन की क्या हालत है आपको बेहतर पता है, अगर आप देखोगे कॉरपोरेशन से लग के तो 10 साल के अंदर 5 साल में नगर सेवक फंड ही नहीं यूज़ हुआ, पेमेंट ही नहीं थी, अब कुछ फंड आना शुरू हुआ है। ये तो ये सीजन में चलने लगा कि बाबा इसका फंड है उसका फंड है, हम भी 10 साल नगर सेवक पहले ये सब सारे फंड जो है सीजन, जैसा आपने कहा कि सीजन है, चुनाव के पहले फंड का सीजन चालू हो गया। चुनाव के पहले फंड का सीजन नहीं, अभी तो मैं फिलहाल कुर्सी पे हुई नहीं है ना, मेरी इससे पहले मैं 5628 वोट लेके हार चुका हूँ, ठीक है, अब सामने इलेक्शन है, मेरी अपनी पार्टी है एनसीपी, तो अब राष्ट्रवादी पार्टी से लग के जो भी फंडिंग आनी है मेरे वार्ड में लूट के लानी है और यहाँ पे काम करना है। टिकट मिलेगा आपको एनसीपी? टिकट का कोई इशू नहीं है, मैं मेरे वार्ड से बाला कंपाउंड से पिछले 20 साल से लड़ता हूँ, और जो बाला कंपाउंड में मैंने काम किया अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम किया, और जो भी है आप पूरे वार्ड में एक एक गली का सर्वे कर लीजिए, मेरा अपना अंसारी प्लेग्राउंड, स्कूल, दबीर फारूकी जिम, लाइब्रेरी, नाला, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा कूचा नहीं है जहां पे हसनैन ने काम नहीं किया। रब की मर्जी थी, कुछ आगे पीछे हो गया, अब आया है टाइम, अब पार्टी से जुड़ा हुआ जो फंड रहेगा वो लूट के लाया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला कॉरपोरेशन पहुंच जाएंगे तो कॉरपोरेशन से लूट के लाके जैसे पहले किया करते थे फिर आगे करेंगे।